आज वाली क्लास में अब हम लोग इसको आगे करेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा? तो भैया नेट पोटेंशियल आएगा V, जो कि होगा V1 प्लस V2। V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, Q बाई 4πε0 R1 माइनस Q बाई 4πε0 R2। इसमें से Q बाई 4πε0 बाहर आ जाएगा, तो V बराबर Q बाई 4πε0 ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ पहले, क्योंकि अब जो आपको बताया जाएगा ना वो मेन पार्ट है इसका। यहां तक आपको शायद दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा दूरी लिखी हुई है आपके सामने, है ना। चलिए अब आप देखते हैं, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये पी है, ये सब कुछ दिख रहा है आपको, है ना। ए मान लो नीचे, ओ बीच में, बी ऊपर है, ए इधर हो गया, तो ये इसको मान लो पी पॉइंट, पी पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। अब देखना जरा, आपको याद होगा अगर ये मेरे पास पूरी लेंथ 2a होती है तो ये वाली a हो गई, ये वाली भी a हो गई, लेंथ भी लिख दी हमने, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को दिखाता हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से देखना। ऊपर वाले ट्रायंगल में जैसे यहां पर करके दिखाऊं, ये आपका a है ना, थोड़ा और पीछे कर देता हूं, ये ए है जो ऊपर की तरफ है, ये आपका R1 है, ये R1 है और ये आपका R है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये R वेक्टर है, ये A वेक्टर, ये R1 वेक्टर और ये मेरे पास ये। एक बात सुनो, ये एंगल थीटा है। अगर आप ट्राइंगल लॉ की तरह चले तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये वाला ए वेक्टर और ये R1 वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में और ये इनका रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट है, ऐसे ही है। ये R वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये R1 वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए R1, हमें क्या चाहिए R1। तो हम लोग क्या करेंगे वो देखो जरा, ये करेंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ऊपर वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो मैं ये वाला एंगल लूंगा, ये 180 माइनस थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में जो ये बाहर वाला एंगल हुआ, ये वाला 180 माइनस थीटा है, तो मैं क्या लिखता हूं देखना, इन ट्रायंगल BOP, इन ट्राइंगल BOP, दिख गया सबको BOP ट्राइंगल। इस BOP ट्राइंगल में मैं निकालना है R1, तो लिखेंगे R1 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्लस में 2AR, और बाहर वाला ये जो एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में 2AR cos 180 माइनस थीटा। ये वो फॉर्मूला है रिजल्टेंट वाला, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है बच्चों, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। यहां पर माइनस कॉस थीटा आ जाएगा तो R1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। इसमें से आर स्क्वायर में, इसमें पूरे में से देखना जरा कैसे कॉमन लेना है, R1 स्क्वायर में से इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अब इसमें तो ए स्क्वायर था,
ये तो बाहर आ गया, लेकिन अगर इसमें से ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ कितना रह गया वन, यहां पर आर स्क्वायर था तो मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे ऊपर वाला बाहर ले लिया, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जिसको ना समझ में आए वो पूछ लेना। माइनस यहां बचेगा टू आर कॉस थीटा अपॉन में ए, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर बाहर लिया है यहां से। पूछ लो किसी को पूछना है तो। सर हमने आर वन को रिजल्टेंट कैसे लिया है जब आर रिजल्टेंट? बेटा मैंने इसमें ऐसे करा है ना, मैंने इसमें शिफ्टिंग कर दी, मैंने ये थीटा है तो ये एंगल थीटा करके मैंने ये वाला जो एंगल है ये एंगल है मतलब इन दोनों के बीच का ए वन और आर वन का, मतलब ये है कि अगर आप यहां से इसको शिफ्ट करके वेक्टर को चेंज करके करेंगे ना तो आपको आर वन निकालना था हमें, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो ए और आर के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो हम लोग ये वाला एंगल ले लेंगे बाहर वाला, ठीक है ए और आर के बाहर वाला, तो रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाएगा वहां से। फिलहाल आप इतना याद रखो ऊपर वाले में आपको ऐसे करना है क्योंकि डेरिवेशन वैसे भी लेंथी है। अब ये बताओ ये कॉमन आ गया, कोई दिक्कत है किसी को कॉमन लेने में? पहले ही बताया था मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए इसमें पूछ लेना मेरे से भाई, याद है? ठीक है, कॉमन लेना आता है ना सबको ऐसे, या सिखाना पड़ेगा बता दो। कोई आवाज नहीं है, ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। देखो जरा भाई, देखना ये x प्लस वाई है, अगर मैं इसमें से x कॉमन लेना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं y के साथ एक बार x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा। अगर ऐसा करूंगा अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा 1 प्लस y बाई एक्स, होता है क्या ऐसा? बस वही कर रहा हूं, एक ही जगह आर कॉमन लेते हैं, आर वन स्क्वायर यहां आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर ले लिया। और यहां पर जो आर है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, क्योंकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है वो आर जो है वो बहुत बड़ा है ए से, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है। आर अगर बड़ा है ए से तो नीचे वाला बहुत बड़ा हुआ ऊपर वाला छोटा हुआ, तो रेशियो एक से बहुत छोटा होगा, देयरफोर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देंगे इस वाले पार्ट को। अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो आर वन का स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर। अब ये आर वन का स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट का मतलब वन बाई टू पावर, तो आर वन रह जाएगा यहां पर, आर रह जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आया, यहां पर हो जाएगा वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर और इसकी पावर वन बाई टू। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम मिटा देता हूं। ये डायग्राम मिटा देता हूं। अब सुनो भाई, आपने वो सुना है कभी, जब हमने पहले 8 चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, तो वहां पर हमने हाइट वाला डेरिवेशन किया था और वहां पर एक चीज पढ़ी थी बाइनोमियल एक्सपेंशन, वही चीज अप्लाई करता हूं एक्सपेंड बाइनोमियली। बाइनोमियली अगर एक्सपेंड करता हूं मैं इसको, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको करना क्या होगा, जो भी पावर है उसको इसके आगे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी पावर होती है उसको इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कितनी पावर है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 हो जाएगा R ब्रैकेट में 1 एज इट इज माइनस ये 1/2 इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 टू ए कॉस थीटा बाई आर, यहाँ पर पावर रह गई 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो R1 बराबर आ गया R ब्रैकेट में 1 माइनस ए कॉस थीटा बाई आर, ये R1 की वैल्यू। भाई यहां तक टफ था, इसमें दो चीजें लगी है, इसको एक बार नेग्लेक्ट करा, एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए बस। इसी प्रकार से अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल जो नीचे था AOP उसमें R2 निकालना है। R2 कैसे निकालेंगे, R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 2AR, उसमें एंगल लेंगे थीटा, नीचे वाले के लिए एंगल लेना है कितना थीटा। अब देखो जरा यहां पर हमारे पास इस वाले में इसके आगे देखो माइनस था, इसके आगे यहां पर प्लस है, अंतर बस इतना है, इस वाले में माइनस था इस वाले में प्लस है, इस वाले को सॉल्व करा तो ये आ गया मेरे पास, तो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखना, सॉल्व करना नहीं है बस लिख देना है सिमिलर एज फोर, फोर्थ वाले की तरह हमने इसको सॉल्व करा तो यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी, R2 बराबर आ जाएगा R ब्रैकेट में 1 प्लस ए कॉस थीटा बाई आर, इक्वेशन नंबर 5। जैसे हम लोगों ने इस वाले को सॉल्व करा है ना, ये वाले को देखो बिल्कुल सिमिलर वे में ये दिख रहा है, बस यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ये आपकी इक्वेशंस आ गई सारी। इस वाले का स्क्रीनशॉट ले चुके हो आप, अब मैं थोड़ा सा यहां पर क्या करूंगा देखना, वैल्यूज को पुट करूंगा फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन थर्ड वाली में, ये रही थर्ड, कितना है वी बराबर क्यू बाई 4π ε0 ब्रैकेट में 1/R1 की वैल्यू रखनी है। अच्छा इसको R1 1/1 में चाहिए ना, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रुको फिर R1 रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1/R1 देखना, ये 1/2 है ना। अब क्या करेंगे यहां पर देखो, इसी वाली इक्वेशन को भी रेसिप्रोकल कर देता हूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ उल्टा कर दिया ना, अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल करता हूं तो ये R1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/R1 बराबर, ये वाला भी 1/1 में आ जाएगा, कितना 1/1 में 1/R ब्रैकेट में 1 minus 2a cos theta by r की पावर 1/2, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ। अब यहां से ये जो r है ये ऊपर चला जाएगा 1/R1, ये वाला r इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/R, इसकी पावर प्लस 1/2 है, ऊपर आ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, अब ठीक है -1/2 बोलो ये ठीक है, इसी को सॉल्व कर रहा हूं, रेसिप्रोकल करा ये 1/R हो जाएगा, ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एक्सपेंड बाइनोमियली, भाई बाइनोमियली एक्सपेंड करता हूं इसको, तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके आगे, तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस ये -1/2 इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना -1/2 इंटू में 2a cos theta by r, यहां पर पावर हो गई 1, 2 से 2 कट गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/R1 बराबर 1/R ब्रैकेट में 1 प्लस a cos theta by r, अब ये फोर्थ इक्वेशन। सिमिलर आपको नीचे वाले ट्रायंगल के लिए करना है, सिमिलर इन ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा था AOP
वहां पर आएगा आर टू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा। जो मैंने बताया उसको यहां पर फॉलो करते देखना, सिमिलर एज फोर, मतलब वहां पर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये थी ना, आर वन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। यहां पर माइनस टू ए आर कॉस थीटा था, यहां पर वो प्लस बन गया। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस। तो मतलब वन अपॉन में आर टू बराबर आ जाएगा वन अपॉन में आर ब्रैकेट में वन माइनस ए कॉस थीटा बाई आर, इक्वेशन नंबर फाइव। पूछ लो भाई जिसको जो पूछना है, जिसको पूछना है एक बार पूछ लो। देखो एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद बताना, आपको फाइनल रिलेशन याद रख लेना है इसका। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करता हूं, वन अपॉन आर वन की वैल्यू कितनी थी, वन अपॉन आर ब्रैकेट में वन प्लस ए कॉस थीटा बाई आर माइनस वन अपॉन आर टू की वैल्यू है कितना है, वन अपॉन आर ब्रैकेट में वन माइनस ए कॉस थीटा बाई आर ब्रैकेट बंद बड़ा वाला। यहां भी वन बाई आर है, यहां भी वन बाई आर है, दोनों में से वन बाई आर बाहर आ जाएगा तो वी बराबर हो जाएगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन प्लस ए कॉस थीटा बाई आर ब्रैकेट में से ये माइनस अंदर गया माइनस वन प्लस में ए कॉस थीटा बाई आर, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा बाई आर ये ए कॉस थीटा बाई आर जुड़ जाएगा तो आएगा मेरे पास वी बराबर क्यू इंटू में टू ए कॉस थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू टू ए की जगह आप कई बार पढ़ चुके हो, क्यू टू ए होता है पी, तो वी बराबर आ गया पी कॉस थीटा अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फाइनल आंसर ये है, फाइनल रिजल्ट। भाई एक बार में तुम्हें प्रैक्टिस करके नहीं आएगा, दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। देखो स्टेप वाइज क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखो और नेगेटिव का लिखो, इक्वेशन बनाओ, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में आर वन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस 180 माइनस थीटा यूज करो, फिर वहां से कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा करो, फिर उसके बाद वहां से आर स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लो। एक सेकंड, किसी का चल रहा है, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में से उस पार्ट को नेग्लेक्ट कर लो, फिर रेसिप्रोकल करो, फिर उसमें से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इक्वेशन बनाओ फोर्थ, फिर नीचे वाले ट्रायंगल में दोबारा से आर टू निकालना है तो आर टू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा। उसमें बस आपको ये लिखना है कि जैसे हमने फोर्थ को सॉल्व करा है वैसे ही इसको सॉल्व करने पर हमें वन अपॉन आर टू की वैल्यू मिल जाएगी। वन अपॉन आर वन और वन अपॉन आर टू निकालना ही एक बड़ी कला है इसमें, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। वन अपॉन आर वन निकालने के लिए ऊपर वाले ट्राइंगल को लो, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो, रेसिप्रोकल करो, फिर उसमें से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। जैसे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो आपकी चौथी और पांचवी इक्वेशन आ जाएगी और फिर उसके बाद आपको पुट कर देना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पूरे चैप्टर में सबसे लेंथी डेरिवेशन यही है जिसमें इतने सारे कंसेप्ट भी थे, लेकिन अगर फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी मेरे से दोबारा कांटेक्ट करना, ठीक है। अब सारे लोग ये सोच के देखो जरा, अगर डायग्राम के हिसाब से चलें, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से चलूं तो देखना, नहीं अब ये एग्जाम के लिए एग्जाम में आता ही नहीं है, कभी नहीं आया एग्जाम में, कभी आया नहीं है फॉर एक्सियल पॉइंट के लिए। अब मेरे को बताना, अगर ये अपना डाइपोल था ये एग्जाम में आता नहीं है, केवल डेरिवेशन याद, ओ इसका फॉर्मूला याद रखना है लास्ट वाला, ये रहा पी पॉइंट, ये रहा एंगल थीटा। अब बताओ अगर ये पी पॉइंट यहां पर होता, यहां की जगह यहां पर होता एक्सियल पे, तो बताओ थीटा कितना हो जाता। अगर यह पॉइंट एक्सियल पे होता तो थीटा कितना हो जाता, अगर ये पॉइंट यहां की जगह यहां पर होता
तो थीटा कितना हो जाता? स्वाति ने बोला जीरो। इंटरेस्ट लो यार। शाहिद ने बोला जीरो, समरीन ने बोला जीरो, राजन सोमेजीत ने बोला जीरो, तो जीरो हो जाता। बिल्कुल सही है, थीटा जीरो हो जाता बच्चों। अगर थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री रखता हूं यहाँ पर, तो सोचो जो पोटेंशियल आया एक्सियल वाला अक्षय, वो कितना आया बेटा? पी कॉस जीरो डिग्री अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कॉस जीरो वन होता है, तो आ गया एक्सियल वाला पी अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप लोग देखो, जब मैंने आपको ये अलग से पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक्सियल वाला डेरिवेशन कराया था, क्या यही आंसर आया था? सोचो, देखो जरा कॉपी में पलट उलट के, कि जब मैंने एक्सियल वाला कराया था, क्या यही आंसर आया था? यही आया था। चलो दूसरा भी चेक कर लेते। अब बताओ, अगर यही फॉर इक्वेटोरियल होता मुकेश भाई, तो बताइए इक्वेटोरियल पॉइंट तो यहां हो जाता इक्वेटोरियल, तो थीटा कितना हो जाता? एक्सियल में तुमने बताया जीरो, तो अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पर होता तो थीटा कितना होता? अंशिता और शाहिद ने बोला 90, समरीन ने बोला 90, और भी सारे बोले, स्वाति अभय ने बोला 90, मुकेश भाई 90, शाबाश। अगर सोच के बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हिमांशु भाई ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो गया भाई, सबने सही बोला लगभग, तो बाकियों से भी मेरे को उम्मीद है कि 90 ही बोलेंगे। अब थीटा की जगह 90 रख दो, तो बताओ वी इक्वेटोरियल वाला कितना है? पी कॉस 90 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस 90 जीरो, तो पूरा जीरो हो गया। अब बताओ क्या आपको इक्वेटोरियल पे जीरो ही पढ़ाया गया था? क्या इक्वेटोरियल पे जीरो ही पढ़ाया गया था आपको? अगर जीरो ही पढ़ाया गया था इस अरे समरीन देख जरा ध्यान से, अरे अबे क्या बात कर रहा है, इक्वेटोरियल पे देख जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पढ़ाया था? जीरो ही पढ़ाया था ना, बस यही चीज आपको दिखानी थी। एक्चुअली देखा जाए, अगर आपको एक्सियल पे पूछे, इक्वेटोरियल पे पूछे, तो फॉर्मूला तैयार है हमारा, लेकिन अगर उसके अलावा किसी एंगल पर भी पूछता है, तो उस एंगल के लिए भी हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? और बड़े ध्यान से देखना, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करना, जो मैंने पी पॉइंट लिया है वो क्यू चार्ज के क्लोज लिया है। अगर अंशिता मान ली ये पी पॉइंट क्यू चार्ज के क्लोज ना होता बल्कि माइनस वाले के होता, तो जो मेरा आंसर आता फाइनल वो माइनस में आता, क्योंकि पॉइंट पी, जो ये पॉइंट लिया है मैंने, जिस चार्ज के नजदीक लूंगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैंने पॉजिटिव के पास लिया हुआ है, इसलिए मेरा पोटेंशियल पॉजिटिव वाला ज्यादा था, नेगेटिव वाला कम था, तो आंसर फाइनल पॉजिटिव आया। अगर मैं नेगेटिव के पास लेता तो मेरा आंसर नेगेटिव आता ही। तो इस बात को याद रखना, कुछ भी मत बना देना, आपको ऐसे ही करना है जैसे कराया है। ये पेज नंबर 3 है, पोटेंशियल वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका है। पेज नंबर 3 आज जो कराऊंगा वो वैसा ही होगा जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब जो पढ़ाऊंगा, एक सेकेंड, मेरी फोटो गायब हो गई, ये रहा। भाई स्वास्थ्य फोटो खींच ले भाई इसका, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। खींच ले सर। ठीक, अब आते हैं बिल्कुल जानदार और शानदार टॉपिक पे, है ना। और इस टॉपिक का डेरिवेशन, पहले तो मेरे को ये बता दो ईमानदारी से, कौन सा ऐसा बच्चा है जो उस दिन नहीं था? देखो आपने काम नहीं करके दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने मेरे पे बहुत ही एहसान करा और मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया, है ना, क्योंकि आप लोगों से यही उम्मीद थी कि काम करके नहीं दोगे, और आप उम्मीदों पे बिल्कुल खड़े उतरे हो। अब ऐसा है नहीं, अब तुम छोटे बच्चे हो कि तुम्हें डंडा मार के करवाए, है ना। अब तुम्हें पता तो होगा कि आप अपने करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। टीचर का तो जो करियर था, हाँ जिन्होंने करा था उनके लिए तो बढ़िया है ना, मेरे को पता है। मेरे पे मैंने इसलिए तो पर्सनली मैसेज मंगाए थे, सबने अपना नाम लिख कर भेजा, बहुत अच्छा लगा जिन्होंने करा, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए और भी अच्छा लगा, है ना। तो भाई
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था कि मेरे को ये पूछना था कि कौन ऐसा बच्चा है जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा था। कौन ऐसा बच्चा है जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा था? सब नहीं पढ़ा था लगभग, क्योंकि बता दिया गया था कि नया चैप्टर होगा। आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका सिंबल है कैपिटल यू, सिंबल है कैपिटल यू, ठीक है, और डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। भाई दो तरीके से बातें करता हूं, पहले बात करता हूं असली वाली। मान ले इस दुनिया में कुछ नहीं है, मान ले इस दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं है, इस दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं है, और मैं इस दुनिया में एक चार्ज लेकर आता हूं क्यू वन, या क्यू मान लो फिलहाल, आगे मैं लिख दूंगा। जब ये क्यू चार्ज इस दुनिया में मैं लाया, सोचो क्या मेरे को किसी भी तरह का कोई रिपल्शन का सामना करना पड़ा? अभी कोई चार्ज नहीं है इस दुनिया में, यही पहला चार्ज है जो इस दुनिया में लाया गया है। क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगी होगी शुरुआत में जब मैं लाया हूंगा? यस और नो? अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं हुआ होगा तो क्या मेरे द्वारा कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा होगा? आंसर होता है नहीं सर। एक्सटर्नल वर्क तो तभी करना पड़ेगा जब उसके अगेंस्ट कोई अपोजिशन हो। अभी तो अपोजिशन है ही नहीं कोई भी, किसी प्रकार का कोई अपोजिशन नहीं झेलना पड़ रहा, मस्त लेकर आ गए साथ में, ये आ गया। इसको मैंने शांति से यहाँ बैठा दिया कि बेटा तू बैठ जा, अकेला दुनिया में तू ही है भी राजा, और ये बैठ गया भाई साहब। जो ये राजा बैठा हुआ है यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास एक चार्ज जिसको बोलते हैं क्यू। कैसे स्टेट में याद रख लेना, बैठा दिया है इसका मतलब ये रेस्ट पर है, फिक्स है भी, रेस्ट ला के मैंने कहीं से इसको यहाँ बैठा दिया। अब सोचो जब दूसरा चार्ज मैं लाऊंगा इस दुनिया में, तो क्या इस चार्ज के द्वारा लगने वाली फोर्स उसको रिपेल करेगी या नहीं करेगी? पहले तो कोई था ही नहीं, अब इस दुनिया में एक चार्ज क्यों आ चुका है, अब मैं दूसरे चार्ज को ला रहा हूं, तो क्या उस चार्ज को अब जिसको मैं लाऊंगा उसको एक रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई। अब अगर ये रिपल्शन करेगा तो मेरे द्वारा जो व्यक्ति इसको ला रहा है उस व्यक्ति के द्वारा कुछ एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। हाँ अंशिता कैसा भी हो, पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों केस सोचो। अभी पॉजिटिव के लिए करते हैं, हमेशा शुरुआत हमेशा पॉजिटिव से करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है ये और वो भी पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, याद रखना। अब बता इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, और होगा तो मेरे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, और मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य मेरे द्वारा किया गया वर्क वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट कार्य करते हैं, वो कार्य हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन के अगेंस्ट कार्य करते हैं, जो एक्स्ट्रा कार्य करते हैं, वह कार्य आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आप इसका एक जीता जाता एग्जांपल देखना, दूसरी फोर्स से समझाता हूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो समझ ही लेंगे, दूसरे से। मान ले भाई हिमांशु कोई चीज जमीन पर रखी हुई है, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी ने उसको नीचे पकड़ रखा है, अगर मेरे को उसको ऊपर उठाना है तो बता मेरे द्वारा कोई कार्य होगा या नहीं होगा? मेरे द्वारा अर्थ की सरफेस से किसी चीज को ऊपर ले जाने में कार्य होगा या नहीं होगा? सारे बच्चे बताओ भाई, होगा भाई, बिल्कुल होगा। और वो कार्य कितना होगा? अगर मैं बिल्कुल कम दूरी के लिए बताऊं तो आपको पढ़ाया गया था सर, वो तो MGH होता है, वो तो MGH होता है। ग्रेविटी किधर खींच रही है? नीचे। मैं किधर ले जा रहा हूं? ऊपर, उसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा हूं। और जो वो कार्य मैं करता था वो MGH की फॉर्म में स्टोर हो जाता था, सही है ना? उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हमें ग्रेविटी की बात नहीं करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करनी है कि नहीं भाई? तो अब समझो मेरी बात। अब हमने क्या करा भाई खुशी, एक पॉइंट लिया मैंने, मैंने बोला कि भाई एक प्लॉट खाली है यहां पर, और इस प्लॉट का नाम है मान लो ए, ए मान लो, बी मान लो, जो भी है, एक पॉइंट ए है जो कि अभी खाली जगह है, ये आर दूरी पर है। मैंने कहा भाई एक क्यू चार्ज तो लेकर आ गया हूं मैं, एक ए पॉइंट खाली है, उस पॉइंट पर एक चार्ज लेकर आना है मेरे को। अब वो कहां से लेकर आना है?
वो आपको याद होगा, हमेशा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेना। तो हम इन्फिनिटी से अर्थात बी पॉइंट मान लो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बी पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पर है, यहां से मैं एक चार्ज लेकर आया क्यू नॉट। जैसे इस चार्ज को मैं इसकी दुनिया में लाया, क्यू चार्ज के उसमें लाया, वैसे इसको दिखा यार मेरे ऊपर रिपल्शन हो रहा है, और जब रिपल्शन होगा तो वो इसको दूर भेजेगी। उसके अगेंस्ट मेरे द्वारा एक कार्य किया गया, वो कार्य इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सोचो मैं कहां से लेकर आ रहा हूं इसको, इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आऊंगा, ए तक। कितनी दूरी तक, आर दूरी तक, समझते हो। अब क्या होगा, आपको पता है जैसी मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं डीएक्स, जो कि इस तरफ हो रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, क्योंकि हमें तो पास लाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर भेज रही है। जब इसको मैंने डीएक्स इधर खिसकाया, अब सोच भाई इसकी दूरी कितनी रह गई, एक्स रह गई, एक्स। कोई समस्या किसी को? बिल्कुल सेम वही है। और आपको पढ़ाया गया था कि U बराबर हो जाएगा या वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन U। चेंज इन U का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और प्यारे बच्चों U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख सकता हूं इसको, क्योंकि हम पहले से ही ये मानकर चल रहे हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम ला रहे हैं वो इन्फिनिटी पर है। तो एट इन्फिनिटी, क्योंकि हम उसको लेकर आ रहे हैं वहां से, इनिशियल एनर्जी हो गई जीरो। इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। और जब वो आ गया एट आर डिस्टेंस, यू फाइनल बराबर हो गया यू के, तो वर्क बराबर किससे आ गया यहां पर, यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये वर्क आपने निकाला हुआ है, पूरा डेरिवेशन कराया था, याद करो। इसके नीचे खाली जगह छोड़ूंगा जो कि तुम्हें खुद करना है, बिल्कुल सेम डिक्टो डेरिवेशन करना है। ये खाली जगह छोड़ दी यहां तक मैंने डॉट डॉट मार के। और जो वर्क आया था आपका, वो वर्क आया था बच्चों Q into Q नॉट अपॉन में 4 pi epsilon नॉट R, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वर्क का डेरिवेशन खुद करना है आपको, जो आपको सिखाया गया था। अब ये जो वर्क आया है उसको U के बराबर रख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो U बराबर आएगा वो आ गया 1/4 pi epsilon नॉट Q into Q naught upon में R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया भाई। डेरिवेशन खुद करना है, यहां से वर्क निकालना है, वर्क की वैल्यू पुट कर देनी है इसके बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब बात आती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी देखो जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर लोकेशन और पोजिशन, लोकेशन टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन या फिर पोजीशन विदाउट एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही डेफिनेशन है जैसी पहले होती थी। बिल्कुल वही बात है, अंतर क्या है, वहां पर कंडीशन होती थी वही, अब है वहां पर होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पर आप जिस चार्ज को लेकर आते थे वो यूनिट पॉजिटिव होता था, यहां पर एनी चार्ज है, कोई भी चार्ज, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। अगर यही चार्ज आपका पॉइंट चार्ज होगा तो आप कहेंगे पोटेंशियल निकल रहा है, और अगर एनी चार्ज है तो आप कहेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बताइए भाई, ये आपको खुद करके देना पड़ेगा। ये मैंने समझा दिया डायग्राम, वर्क यू के बराबर होता है। आप चाहो तो बस डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वर्क बराबर यू, हालांकि कैसे आता है वो मैंने लिख के दिखा दिया यहां पर।